गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। लेसन नंबर 16 का टेस्ट मैंने कल लिया था, लेकिन आप लोग उसको ठीक से सबमिट नहीं कर पाए। नंबर एक, तो सभी लोग क्लास अटेंड मैं देख रहा हूँ करते नहीं ठीक से, रीजन में भी समवर्ट जो भी रीजन हो, लेकिन सबको क्लास अटेंड करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जब आपका होगा तो जो भी लेसन आपको पढ़ाए जा रहे हैं टेस्ट या क्वेश्चन उसी चैप्टर से दिए जाएंगे। आप लोग लेसन नंबर 16, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग जो कि भेजा जाता है स्टूडेंट ERP पर, उसको ध्यान से आप लोग देखते होंगे और उसकी जो भी तैयारियाँ आपको कराई जा रही हैं आप लोग करते होंगे। कल मैंने टेस्ट लिया था इसलिए क्लास नहीं चली थी। आज चैप्टर नंबर 17 जो कि लेसन का नाम है मिस्टर मिलर, इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये पैरासूट को लेकर के एक छोटी सी स्टोरी है। ए मिनट ऑफ थिंकिंग में आप लोग देखेंगे द टर्म्स स्काई डाइव। स्काई डाइव ये जो टर्म आता है स्काई डाइव, पैरासूट जंप और एक है पैरासूट जंप, एक टर्म है स्काई डाइव एंड एक है जस्ट जंप, आर यूज्ड ऑफन इंटरचेंजेबली विथ ईच अदर। कहने का मतलब है स्काई डाइव, पैरासूट जंप और जंप, ये तीनों इंटरचेंजेबली आपस में एक दूसरे से क्या होता है, ऑल्दो देयर आर सम सबटल डिफरेंस, में बहुत कम अंतर होता है बिटवीन दीज टर्म्स इन टर्म्स में। तो स्काई डाइव्स आर ऑफन डिफिनेशन पैरासूट जंप, स्काई डाइव्स आर बाय डेफिनेशन, जैसा इसकी परिभाषा से है, स्काई डाइव्स मीन्स पैरासूट जंप्स। दैट इज बिकॉज एट द एंड ऑफ ईच स्काई डाइव, क्योंकि अंत में हर स्काई डाइव के अंत में ए पैरासूट इज यूज्ड टू लैंड बैक ऑन अर्थ। पैरासूट का उपयोग किया जाता है धरती पर वापस आने के लिए, ठीक है ना। तो आकाश से जब कूदते हैं तो पैरासूट को ही लेकर कूदते हैं ताकि धरती पर वो आसानी से वापस आ सके विदाउट बीइंग इंजर्ड, बिना चोट के, ठीक है ना। अब पोयम में दिया है कि एक मिस्टर मिलर हैं। मिस्टर मिलर लाइक्ड टू जंप, मिस्टर मिलर ये पसंद करते हैं कूदना, फ्रॉम हाई अप इन द स्काई। और कहाँ से कूदना पसंद करते हैं, फ्रॉम हाई अप, आकाश में बहुत ऊंचाई से। ही नेवर फॉर ए मोमेंट थॉट, ही नेवर फॉर ए मोमेंट थॉट, वो एक क्षण के लिए कभी नहीं सोचते हैं कि दैट ही कुड इवर डाई, कि कभी उनको चोट लग सकती है, वो मर सकते हैं, इस बात को कभी सोचते नहीं है, ठीक है ना। तो फिर से आप लोग देखें, मिस्टर मिलर लाइक्ड टू जंप फ्रॉम हाई अप इन द स्काई, ही नेवर फॉर ए मोमेंट थॉट दैट ही कुड एवर डाई। कहने का मतलब है शौकीन है ये और ये कूदना पसंद करते हैं, फ्रॉम हाई अप इन द स्काई, आकाश से बहुत ऊंचाई से, और ही नेवर फॉर ए मोमेंट थॉट, कभी अपने मन में क्षण भी आने देकर डाई, कभी वो मर भी सकते, ठीक है ना। सेकंड पैराग्राफ में स्टैंजा में है ही ट्रस्टेड इन हिज पैरासूट। ऐसा वो क्यों नहीं सोचते हैं कि वो मर भी सकते हैं, क्योंकि ही ट्रस्टेड इन हिज पैरासूट, क्योंकि उनको अपने पैरासूट पर ट्रस्टेड विश्वास था, अपना पैरासूट जो लिए रहते हैं। ही ट्रस्टेड इन हिज पैरासूट बट व्हेन ही पुल्ड द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग माने होता है डोर, रस्सी, रोप, करेक्ट, थ्रेड, कुछ भी आप कह सकते हैं। ही पुल्ड द स्ट्रिंग, जैसे जब वो अपना स्ट्रिंग को खींचते हैं रस्सी को, ही फाउंड, तो उनको पाते हैं हिज वाइफ हैज मूव्ड
सूट, कि उनकी पत्नी ने सूट को हटा दिया था, एंड फिल्ड इट अप विथ थिंग्स, और फिल्ड इट और इसको, इसमें कुछ वह सामान रख दिया था, इसको कुछ इसमें सामान रख दिया था, ठीक है ना। दैट माइट हैव बीन ए हेल्प टू हिम इन एनी अदर, दैट माइट हैव बीन ए हेल्प टू हिम, और इसलिए कि वह उनको मदद कर सकता था, इन एनी अदर प्लेस, वो सामान उनकी मदद कर सकता था, दैट माइट हैव बीन ए हेल्प टू हिम इन एनी अदर प्लेस, बट नथिंग दैट कीप माइट कीप हिम नाउ, लेकिन नथिंग दैट माइट कीप हिम नाउ फ्रॉम लैंडिंग ऑन हिज फेस, लेकिन अब कोई भी वस्तु, बट नथिंग दैट माइट कीप हिम नाउ फ्रॉम लैंडिंग ऑन हिज फेस, अब उनके चेहरे पर लैंड करने से उन वस्तुओं को कोई रोक नहीं सकता था, बट नथिंग दैट माइट कीप हिम नाउ फ्रॉम लैंडिंग ऑन हिज फेस, वो वस्तुएं जो रखा था ना, नथिंग दैट माइट कीप हिम नाउ फ्रॉम लैंडिंग ऑन हिज फेस, सो मिस्टर मिलर क्लोज्ड हिज आईज, इसलिए मिस्टर मिलर ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, एंड सेड, और कहा, दाई विल बी डन, दाई विल बी डन, दाई मीन्स यू, यू विल बी डन, तुमको करना होगा, दाई, दाई मीन्स होता है यू, दाई विल बी डन, एंड सडनली जंपिंग आउट ऑफ थिंग्स जस्ट वॉज नॉट दैट मच फन, एंड सडनली, और अचानक, जंपिंग आउट ऑफ द थिंग्स, वस्तुओं का जंप करके बाहर आना, जस्ट वॉज दैट मच फन, और द जस्ट वॉज, और ये सब क्या था, दैट मच फन, ये केवल क्या था, बहुत अधिक फन था, बहुत अधिक आनंद लेना था, एंड सडनली जंपिंग आउट ऑफ थिंग्स जस्ट वॉज नॉट दैट मच फन, ठीक है ना। ओके, आपको चार स्टेंजा मैंने आज एक्सप्लेन किया है, इसको आप बार बार पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि मिस्टर मिलर, जो कि कूदना पसंद करते थे, स्काई डाइव्स करना चाहते थे, उनको आनंद आता था, तो आज आप लोग चैप्टर नंबर 17 को अच्छे से पढ़िए, और एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितना संभव हो आपको पोएम्स को पढ़ना चाहिए। ओके, थैंक यू।